भोपाल के लाल परेड मैदान पर 4 दिवसीय वन मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी रौनक दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। क्या कुछ खास है इस वन मेले में और क्या इस मेले को आयोजित कराने का उद्देश्य है, इसको लेकर वन मंत्री विजय शाह से बातचीत की इंटरनेट संवाददाता ने। भोपाल में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वन मंत्री कुंवर विजय शाह जी। सर, क्या कुछ खास रहने वाला है? हर बार हम देख रहे हैं कि रौनक हर साल बढ़ती ही जा रही है। देखिए, आयुर्वेद को बढ़ावा देते हुए हम चाह रहे हैं कि जितने भी जो हमारे औषधि उत्पादक छोटे छोटे किसान हैं, खास करके ट्राइबल्स एरिया के भी, उनको औषधि का अच्छा मूल्य मिले और वनोपज और औषधि पौधे दोनों के लिए मार्केट मिले। बायर सेलर मीट भी हमने यहाँ रखी है और आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे ये एलएन सिटी कॉलेज के, दूसरे सारे आयुर्वेदिक के कॉलेज, उन बच्चे जिनको ये डॉक्टर सिखा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को जनता के बीच में लाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। जो ये कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े कॉलेज वाले हों, चाहे गांव में रहने वाले हमारे वनवासी बंधु हों, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध करा रहे हैं और ये मेले के माध्यम से एक नई दिशा की ओर हम लोग जा रहे हैं। सर, आपने ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करने वाले हैं, तो क्या बिक्री के लिए उचित व्यवस्था मिलेगी? क्या मिले, क्या होगा? बिक्री के साथ साथ अभी आपने देखा 7-8 देशों के लोग जो कोरोना कारण नहीं आ पाए, वो स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और उसका कोई पैसा आपको नहीं।